तो कल अमेरिका के एक सबसे बड़े अखबार और दुनिया के बहुत नामचीन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक खबर छपी थी जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। भारत के एजुकेशन मॉडल में दुनिया को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, दुनिया के सबसे बड़े अखबारों को ऐसा दिखाई दे रहा है ताकि वो दुनिया को प्रेरित कर सकें, उससे दुनिया को बता सकें। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अभी मैं ये देख रहा था कि इसी न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे करीब 1.5 साल पहले ये तस्वीर छपी थी, आपने भी देखा होगा, जिसमें कोविड के दौरान नदी के किनारे जलती हुई लाखों लाशों की तस्वीरें छपी थीं। कोविड के दौरान लाखों लाशें माँ गंगा के किनारे पर किस तरह से गैर इंसानियत से जलाई गई थी, उसकी तस्वीर, उसकी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी 1.5 साल पहले। जब ये खबर हमने देखी थी और देश के लोगों ने देखी थी तो एक भारतीय के नाते थोड़ा अपने आप पे शर्म आई थी, अपनी गवर्नेंस पे शर्म आई थी, अपने मॉडल पे शर्म आई थी। दुनिया में कोविड हैंडल हो रहा था लेकिन हम ऐसे हैंडल कर रहे थे, इस पे शर्म आई थी कि भारत में कोविड ऐसे हैंडल हो रहा है। कल जब ये खबर छपी तो एक भारतीय के नाते सबको गर्व हुआ कि भारत में एजुकेशन का ऐसा मॉडल है जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार फ्रंट पेज पे लीड स्टोरी बना बना के पूरी पिक्चर और पूरी स्टोरी छाप रहे हैं, इतना बड़ा आर्टिकल छाप रहे हैं। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है, लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि ये खबर मेरी उपलब्धि नहीं है, ये खबर मेरी वजह से नहीं छपी कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी तारीफ हो रही है। ये एक्चुअली दिल्ली के टीचर्स की तारीफ है। तो आज जब न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे दिल्ली के टीचर्स का काम छप रहा है और सारी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है तो मैं दिल्ली के टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से लगे रहिए, लाखों करोड़ों बच्चे आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को याद रखेंगी कि दिल्ली के टीचर्स ने और दिल्ली के बच्चों ने इतनी मेहनत की कि उनका काम दुनिया में, सारी दुनिया के सर चढ़ के बोला, सारी दुनिया में भारत की तारीफ का कारण बना। ये हम सबके लिए और ख़ासतौर से हमारे टीचर्स के लिए गर्व की बात है। कल मेरे घर CBI के ऑफिसर्स आए थे और दिल्ली सचिवालय में मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर का डिप्टी CM का ऑफिस है वहाँ पर भी उन्होंने रेड की थी। सारे ऑफिसर्स दोनों जगह बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से सबने बहुत व्यवहार किया। उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उसकी तामील उनको करनी है, जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम CBI ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार करते हुए मेरे घर को सर्च किया और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलके अच्छा लगा। CBI कोई अपने घर पे नहीं चाहता है लेकिन अच्छे लोग थे, अच्छा लगा। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के LG साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। ये लोग कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कल मैं मनोज तिवारी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने, मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया एक्साइज पॉलिसी में। मनीष सिसोदिया ने 8,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर थोड़ी देर बाद BJP के और एक नेता आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या शायद किसी मीडिया में बात करने, वो बोले 1,100 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। फिर मैं सोच रहा था कि
एलजी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था 144 करोड़ का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे, उसमें ना 8000 करोड़ का जिक्र था, ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था, सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है। इसमें ना 144 करोड़ का जिक्र है, ना 11000 करोड़ का जिक्र है, 1100 करोड़ का, ना 8000 करोड़ का मनोज तिवारी जी वाला जिक्र है। मैं कह रहा हूं कि ये सब बकवास है, ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ, बहुत शानदार पॉलिसी है। और जो ये लोग कह रहे हैं, इनको ना तो कुछ पता है, ना इन्होंने कुछ पढ़ा है, बस इनको तो कहीं से कोई स्क्रिप्ट जो दी जाती है ये उसको रटते हैं। मैं आज आपको बताता हूं कि इस पूरे शोर शराबे के पीछे असली कहानी क्या है, इसका सच क्या है। सच ये है कि मुद्दा शराब का घोटाला है ही नहीं, इनको शराब के किसी घोटाले की चिंता नहीं है, इनको घोटाले की चिंता नहीं है। अगर इनको शराब के घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज चोरी होती है। अगर शराब की एक्साइज की चोरी की अगर चिंता इनको होती, एक्साइज के घोटाले की इनको चिंता होती, तो आज ये सीबीआई का पूरा हेडक्वार्टर गुजरात में शिफ्ट करा देते 10,000 करोड़ का घोटाला रोकने के लिए। और यही लोग करवा रहे हैं, जो लोग सीबीआई को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना, यही लोग गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज की चोरी कर रहे हैं। लेकिन इनको घोटाले की चिंता नहीं है, शराब से शराब की एक्साइज की पॉलिसी में हो रही चोरी की किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि गुजरात में 10,000 करोड़ की चोरी हो रही है, वहां सीबीआई नहीं भेजते। अगर घोटाले की चिंता होती तो ईडी का दफ्तर वहां खुल जाता, ईडी का पूरा हेडक्वार्टर वहां शिफ्ट हो जाता, वहां नहीं हो रही कोई धरपकड़। इसलिए मुद्दा तो करप्शन है ही नहीं, मुद्दा तो शराब का घोटाला है ही नहीं, मुद्दा तो घोटाला है ही नहीं। अगर मुद्दा घोटाला होता तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था, आप सबने देखा था, आप सबने दिखाया था, सारे मीडिया ने चलाया था, और सारे मीडिया ने देश के बहुत शोर से बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जिस हाईवे का एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था 5 दिन के अंदर अंदर वो पूरी तरह से धस गया। बहुत बड़ा घोटाला हुआ वो एक्सप्रेस वे बनाने में, हाईवे बनाने में। अगर मुद्दा करप्शन होता तो आज सीबीआई और ईडी प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किए गए उस महामार्ग के घोटालेबाजों को पकड़ रही होती, उनके घर रेड कर रही होती, जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि प्रधानमंत्री जी ने जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया 5 दिन में धस गया, वो है घोटाला। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, मुद्दा घोटाला है ही नहीं, शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं, इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, इनकी परेशानी ये है। यह जो पूरी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, यह जो पूरी कार्रवाई मेरे दफ्तर में हो रही है, मेरे घर में रेड डाली जा रही है, ये हो ही इसलिए रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की जो साजिश रची जा रही है उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आप सब जानते हैं, देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी ताकत है कि वो एक बहुत कट्टर ईमानदार नेता है। अरविंद केजरीवाल जी की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है कि उनको काम करना और काम करवाना आता है। उनको दिल्ली का एजुकेशन ठीक करके उन्होंने दिखा दिया कि एजुकेशन कैसे ठीक होता है, उन्होंने हेल्थ ठीक करके दिखा दिया कि हेल्थ सिस्टम कैसे ठीक होता है। आज दुनिया भर में मैंने दिखाया आपको, आज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन हो रहा है। इसलिए आज ये इत्तेफाक नहीं है कि हेल्थ और एजुकेशन पर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको जेल, मुझे जेल में डालने की तैयारी की जा रही है।
मेरी गलती ये थोड़ी ना है, वो भी जानते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इनको पता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसीलिए उलझल उल बके जाते हैं इनको। मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं, इसलिए ये कर रहे हैं, इसलिए ये साजिश रची जा रही है। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहाँ रेड डाल दी, अब दो चार दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो हेल्थ और एजुकेशन मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल जी का, इनका मकसद है कि उसको रोका जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश ने इतना बड़ा जनमत दिया है, ये शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की छोटी छोटी सोच रखते हैं कि कोई आदमी काम करे तो उसके हेल्थ के काम को रोक लो, एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डालो, हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डालो क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी में और नरेंद्र मोदी जी में मैं आज रखना चाहता हूं आपके सामने कि अरविंद केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी में यही फर्क है। केजरीवाल जी को अगर कोई अच्छा काम करते हुए दिखता है तो केजरीवाल जी उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, उसकी तारीफ करके उसका हौसला बढ़ाते हैं और खुद उससे सीख के खुद करना चाहते हैं। मोदी जी का रुख यह है कि उनको अगर कोई अच्छा काम करता हुआ दिखता है तो वो उसके काम को रोकना चाहते हैं, उसके काम को साजिश के तहत रोक रोक के उसके लोगों को और उसको सीबीआई और ईडी का डर दिखा दिखा के उसको रोकना चाहते हैं। दो दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया, देश को नंबर वन बनाना है शिक्षा के जरिए, स्वास्थ्य के जरिए, रोजगार के जरिए। इस पे तो सारे देश को गर्व है, इस पे मोदी जी को भी गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का एक मुख्यमंत्री मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन के जरिए एक देश का विकास करने का विजन लेके चल रहे हैं। मोदी जी के तो इनको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन जारी किया, उसके दो दिन के अंदर अंदर मोदी जी ने केजरीवाल जी के एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ पे सीबीआई की रेड करवा दी। केजरीवाल जी गरीबों के लिए, आम मिडिल क्लास आम आदमी के लिए काम करते हैं, उसके लिए सोचते हैं। मोदी जी केवल और केवल अपने कुछ करोड़पति अरबपति लोगों के लिए, अपने कुछ अरबपति दोस्तों के लिए सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं। केजरीवाल जी 24 घंटे देश के लिए सोचते हैं कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, कैसे किसी गरीब से गरीब आदमी का इलाज करवा दिया जाए। मोदी जी 24 घंटे ये सोचते हैं कि कौन से राज्य में पोजीशन की सरकार है, उसको पैसे देके या सीबीआई का डर दिखा के या ईडी का डर दिखा के कैसे उसको गिरा दिया जाए। मोदी जी 24 घंटे ये सोचते रहते हैं। जिस तरह से इन्होंने पिछले दिनों में पैसे के दम पे, ईडी के दम पे, सीबीआई के दम पे कई सरकारें गिराई हैं, आप सबने भी रिपोर्ट किया है, महाराष्ट्र में, गोवा में, तमाम बिहार में भी किया था इन्होंने, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। पूरे देश के लोग इनसे अब दुखी हैं कि यार हम सरकार चुनते हैं, मोदी जी केवल 24 घंटे उसको गिराने में लगे रहते हैं। अरे आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया, आप देश के लिए अच्छा सोचो, जिनको हमने राज्य के लिए किया है उसको राज्य के लिए अच्छा सोचें। मोदी जी केवल सीबीआई, ईडी, पैसा सब लगा के, साम दाम दंड भेद लगा के केवल सरकारें गिराने का 24 घंटे सपना देखते हैं, उसके अलावा मोदी जी को कोई सपना ही नहीं आता आजकल। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु, अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है, पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में कभी भी, ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं हैं। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे, आज मैं कह रहा हूँ। हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं करेंगे, करोड़ों लोगों के इलाज के लिए काम कराना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ
लाखों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं है। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेज अरविंद केजरीवाल होके रहेगा। धन्यवाद मनीष जी। जब आप ये बात कर रहे हैं, मनीष जी जब आप ये बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठते हैं कि रेड जो हुई वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर हुई और आप एजुकेशन और हेल्थ पे चले जाते हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि आपने जो पॉलिसी में लास्ट में बंद करके पुरानी पॉलिसी को शुरू किया, उससे आपको अगर फायदा था तो आपने बदली क्यों? देखो मैं अभी बोला कि मुद्दा तो एक्साइज पॉलिसी या भ्रष्टाचार है ही नहीं। नहीं तो अगर एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार होता तो आज गुजरात में रेड हो रही होती। हुज ट्रेजेडी हो गई गुजरात में। कौन कर रहा है वहां पे? सीबीआई रेड नहीं कर रहे, वहां पे ईडी रेड नहीं कर रही, यहां पे हो रही है ईडी सीबीआई रेड। मुझे जेल भेजेंगे, उन लोगों को जेल भेजते, इनके ही तो लोग हैं वो करा रहे हैं। 10,000 करोड़ की चोरी कर ले रहे हैं, लोग मरवा रहे हैं। तो मुद्दा तो एक्साइज, मुद्दा तो असली है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे रोकना है।